पाकिस्तान में लोड शेडिंग की सूरत हाल पर लाइट चली गई। पाकिस्तान में गर्मी के साथ साथ लोड शेडिंग के टाइम में भी इजाफा हो रहा है। कहीं पर लाइट 7-8 घंटे के लिए जा रही है तो कहीं पर लाइट सिर्फ इतनी ही देर के लिए आ रही है। लोड शेडिंग पाकिस्तानियों के लिए कोई नया लफ्ज नहीं और लाइट तो पहले भी जाया करती थी, लेकिन क्या वजह है कि लोड शेडिंग अब ज्यादा हो रही है? पहले ये समझ लेते हैं कि पाकिस्तान में बिजली की कंजम्पशन या कुल जरूरत कितनी है। इस वक्त गर्मी में बिजली की डिमांड पीक पर है और मुल्क में 25,000 से 26,000 मेगावाट बिजली की जरूरत है, लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त सिर्फ तकरीबन 19,000 मेगावाट बिजली बनाई जा रही है। अब बात करते हैं बिजली में कमी यानी शॉर्टफॉल की। शॉर्टफॉल एक ऐसी सिचुएशन है जब पावर प्लांट्स की तरफ से मुल्क की जरूरत पूरी करने के लिए बिजली कम पड़ जाए। फिलहाल मुल्क में बिजली का टोटल शॉर्टफॉल तकरीबन 7200 मेगावाट है। इस शॉर्टफॉल में से तकरीबन 4700 मेगावाट बिजली तो प्लांट्स बना ही नहीं पा रहे और तकरीबन 2500 मेगावाट बिजली हम तक पहुंचने से पहले ही तारों में जाया हो जाती है। इसे लाइन लॉस भी कहते हैं। पाकिस्तान अपने तमाम सोर्सेज से तकरीबन 36,000 मेगावाट बिजली प्रोड्यूस करने की सलाहियत रखता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। सवाल ये है कि अब इतनी ज्यादा लोड शेडिंग क्यों हो रही है? नंबर वन, इतनी ज्यादा लोड शेडिंग होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि अब फ्यूल काफी ज्यादा महंगा हो गया है। महंगे फ्यूल से बिजली बनाना मुश्किल होता है क्योंकि इसके लिए काफी ज्यादा पैसे चाहिए। पावर प्लांट्स के पास इतना कैश फ्लो नहीं होता कि वो इतना महंगा फ्यूल खरीद कर प्लांट्स को पूरी कैपेसिटी पर चला सके। नंबर टू, मंगला, तरबेला और पानी से बिजली बनाने वाले दूसरे पावर प्लांट्स की टोटल कैपेसिटी 9000 मेगावाट है, लेकिन पानी कम होने की वजह से ये पावर प्लांट्स सिर्फ 4,000 से 5,000 मेगावाट बिजली बना पा रहे हैं। एनर्जी मिनिस्टर खुर्रम दस्तगीर के मुताबिक लोड शेडिंग मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होगी, लेकिन आने वाले हफ्तों में कम हो जाएगी क्योंकि हुकूमत ज्यादा बिजली बनाने के लिए इम्पोर्टेड फ्यूल का बंदोबस्त कर रही है।